वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आगरा से हमारे एक दर्शक है निशांत जैन, इन्होंने लिखा है कि इन्हें बार बार प्यास लगती है। वो बोलते हैं कि मैं कितना भी पानी पी लूं, हर आधा घंटे बाद मुझे प्यास लगने लगती है, कोई उपाय बताइए, बहुत परेशान रहता हूं। मैं जहां जॉब करता हूं वहां बार बार उठ के पानी पीना संभव नहीं है, और ज़्यादा पानी पीने के कारण मुझे यूरिनेशन भी होता है जिसके कारण मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मुझे ये बार बार प्यास लगनी बंद हो जाए। निशांत जी, कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि उनको बार बार प्यास लगती है, और ये अक्सर कब होता है कि जब आपको बुखार हो या मलेरिया के बाद आप उठते हो तब आपका मुंह सूखने लगता है जिसके कारण आपको प्यास लगती है। आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ आपको। 25 ग्राम सौंफ ले लें आप और एक गिलास पानी में भिगो के रखें, एक घंटे तक इसको भिगो रहने दें, उसके बाद इसको छान लें और ये आपका सौंफ का पानी तैयार हो जाएगा। बस आपको इस पानी का सेवन करना है। इस पानी के सेवन करने से जो आपको बार बार प्यास लगने की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी। इसके अलावा बुखार के दौरान जो मुंह सूखता है वो भी इससे दूर हो जाएगा, या मलेरिया या बुखार में जो पित्त के कारण, पित्त जो बढ़ जाता है उसके कारण यूरिनेशन में रुकावट होती है वो भी इससे दूर हो जाएगी। कई लोगों की यूरिनेशन में जलन होती है, पेशाब में जलन होती है, वो भी अगर इस सौंफ के पानी का प्रयोग करेंगे तो वो जलन भी दूर हो जाती है। इसके अलावा शरीर के अंदर जो गर्मी बढ़ जाती है वो गर्मी भी ये सौंफ का पानी पीने से दूर हो जाती है। तो बस ये सौंफ के पानी का प्रयोग करें और जो बार बार आपको प्यास लग रही है ना ये बंद हो जाएगी। लेकिन आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कम से कम 3 लीटर पानी दिन में जरूर पिए। 3 लीटर से कम पानी अगर आप पियेंगे तो वो आपके पित्त को बढ़ाएगा, और ये जो सौंफ का पानी है ये आपके पित्त को शांत करेगा। तो 3 लीटर पानी पिए, और जो आपको बार बार प्यास लगती है उसके लिए एक बॉटल में सौंफ का पानी बना के रखें, बस ये 2 या 3 बार ये पानी पिए, आप देखेंगे आपको प्यास लगनी बंद हो जाएगी। तो धारा एकदम आसान उपाय। बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और हमसे मुक्त रहें। थैंक यू।